इस उद्देश्य में हम कई जिसमें हमारा था कि पहले हमारे जो शिक्षक हैं उनको हम हर साल जो है उनका सेवारत प्रशिक्षण कराया जाता है, जो नई टेक्निक या नई तरीके से उनको पढ़ाने के शिक्षण विधियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। संस्थाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में उनसे हम संपर्क करते हैं कि आप हमें इस तरह से इनको बताइए, उसके लिए भी हम बैठक में उनको बुलाते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं कि हमें शिक्षा के गुणवत्ता तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक मंच हमें मिलता है, उस मंच में हम मासिक बैठक के रूप में प्रशासनिक से लेकर एकेडमिक सभी कार्यों को हम उसी मासिक बैठक में करते हैं। अगर अनुभव की बात की जाए तो यही कहा जाता है कि हम मॉड्यूल तो बहुत अच्छे होते हैं, मॉड्यूल के अंदर जितने भी हम प्रकरण डाले हुए हैं विषय अंतर्गत या उस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट विद्यालय तक पहुँचने के हमारे पास कोई ना तो टूल्स है कि उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो भी वर्क किया हमने मॉड्यूल ट्रेनिंग करा दी है, 10 डेज 5 डेज जितने भी हम ट्रेनिंग कराते हैं स्कूल स्तर तक, हम जहाँ भी अभी तक देखा है हम लोग जो अनुसरण करते हैं 10% उसका हमने उपयोग देखा है। जैसे पहले की ट्रेनिंग हुई थी तो उसमें हम लोगों ने एज अ फ्लैश कार्ड की हमने एक अवधारणा थी कि फ्लैश कार्ड से बच्चों को अधिगम करने की क्षमता बढ़ती है, तो फ्लैश कार्ड दिए गए थे, तो उस टाइम वो फ्लैश कार्ड से उन्होंने एक फ्लैश कार्ड बोर्ड भी बनाया, उसमें सब चीज़ इंक्लूड किया है, तो बच्चों को उन्होंने स्टार्टिंग की है उसको करा है, लेकिन लेकिन जैसे समय बीतता गया वो एक तरह से एक चार्ट के रूप में परिवर्तित हो गया। शासन में जो हमको निर्देश मिलते हैं उसमें था कि अगर हम कोई प्रशिक्षण करते हैं एज ए BRC जो है फैसिलिटर के रूप में है, हर उसमें केंद्र में एक हमने नोडल अधिकारी बनाया हुआ है, वो नोडल अधिकारी के निर्देशन में ही इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है, उसके निर्देशन में ही सारा कार्यक्रम होता है, जिसमें कि टीचर्स के साथ संवाद, उनकी परेशानियाँ, निरस्ता को दूर करना, इस तरह की सारी चीज़ों के लिए वो अभिलेख करता है और तैयार करता है कि भाई हमने इस प्रशिक्षण में क्या क्या होना चाहिए, क्या कि आपके जो रायपुर ब्लॉक है उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है, जिसमें संपर्क ग्रुप द्वारा एक मैथमेटिक्स किट बनाई गई है, निर्मित की गई है कि बच्चों से किस तरीके की बातचीत करके हम दैनिक जीवन से लेके उनसे उन्हें सिखा सकते हैं कुछ भी। और एक और चीज़ देखी है मैंने, पहली बार एक्सपीरियंस है मेरा, कि जो नोटबुक का वो है टाइटल है उसके द्वारा भी हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि टाइटल द्वारा कहानी में क्या है। प्लेस वैल्यू के जो क्वेश्चंस है हम अभी तक जैसे अपने पुराने पैटर्न से हमने सीखा है उसी पैटर्न से पढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो तरीके हमने सिखाया वो बहुत आसान है और बच्चा उसे ज़्यादा आसानी से सीख सकेगा, मुझे लगता है वो बहुत बेनिफिशियल है। अब मैं स्कूल जाके दोबारा से मैं जो यहाँ तरीका मैंने सीखा है मैं उसी तरीके से उसे पढ़ाऊंगी। एकेडमी में फर्स्टली हमारा यही होता है कि हम किसी कक्ष में अगर अध्यापिका पढ़ा रही है तो फर्स्ट टाइम हम उन्हीं का निरीक्षण वो करते हैं कि अध्यापिका कैसे अपनी क्लास को क्लासरूम प्रोसेस कर रही है। दूसरा जो हमारे इंडिकेटर्स हैं दिए हुए, हर विद्यालय में हमने इंडिकेटर्स दिए हुए कि आपको जो बच्चा है उसका लेवल कहाँ तक हो जाना चाहिए। तीसरा गत वर्षों से एक नया हमने वो किया है कि जो सिलेबस है हमारा, जो हम पाठ्य पुस्तक है उसको एक हमने उसमें बांट दिया है कि इस महीने तक कितना कितना हो जाना चाहिए, उसको ध्यान रखते हुए चेक किया जाता है कि उसने उस स्तर तक उस बच्चे को वहाँ तक कराया कि नहीं कराया। कविता पाठ की भी है। बुलबुले ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। जब विभूति होती है इसका मतलब क्या होता है, क्या अर्थ है इसका बेटा?